हेलो गाइस, माय नेम इज योगेश एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न। तो दोस्तों रेडी हो जाओ, आपके एग्जाम आ चुके हैं, आपके पास लगभग 50 या 1.5 महीने बचे होंगे, तो उस हिसाब से दोस्तों आपको अपनी स्टडी करनी है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है CBSE स्टूडेंट के लिए। ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ उन स्टूडेंट के लिए जिन स्टूडेंट को अभी तक लगता है कि मैंने अभी तक कुछ तैयारी नहीं करी, और जो स्टूडेंट अभी तक ज़्यादा ही टेंशन ले चुके हैं कि यार किस तरीके से स्टडी करें। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बस आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो इस वीडियो के साथ दोस्तों आप हेल्प कर सकती है, ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। और दोस्तों बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देख रहे हो और दोस्तों स्टेप को फॉलो नहीं कर रहे हो। दोस्तों आपको ये स्टेप को फॉलो करना है, इस वीडियो को इम्प्लीमेंट करना है आपको अपने लाइफ से, और आपको रिलेट करके अगर आप स्टडी करोगे और जो मैंने स्टेप बताए हैं उसको फॉलो करते हो तो दोस्तों आपके बहुत अच्छे से मार्क्स आएंगे। तो इनफैक्ट दोस्तों जो आपने अपना टारगेट बना रखा है कि मुझे 80 लाने, तो दोस्तों आप 90 लाओगे, उससे ज़्यादा लाओगे। तो अब बात करता हूँ वीडियो पे कि आपको किस तरीके से स्टडी करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास दिन कितने बचे हैं आपको ये एनालिसिस करना है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि हाँ मेरे पे कितने दिन बचे हैं, तो उसको दोस्तों अपने हिसाब से एक ना, सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना है कि स्टडी कैसे करनी है। दोस्तों अब आपका टाइम आ चुका है डीप वर्क करने का। दोस्तों आपको स्टडी करनी है डीप वर्क दोस्तों, और जो स्टूडेंट करता है सेलो वर्क उसको सेलो वर्क बिल्कुल नहीं करना आता। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ सेलो वर्क और डीप वर्क में क्या अंतर है। दोस्तों सेलो वर्क वो होता है कि जो स्टूडेंट जिसे 2 घंटे की स्टडी कर रहा है, कोई थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, 2 घंटे तक पढ़ता जा रहा है, उसको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा, लेकिन पढ़ता जा रहा है, और फिर जब चैप्टर कंप्लीट कर जाता है तो उसके बाद दोस्तों फिर वो सोचता है यार मैं तो भूल गया, फिर उसको आता नहीं है। तो दोस्तों आपको इस तरीके से थ्योरी को नहीं पढ़ना, आपको इस तरीके से स्टडी नहीं करना। कहने का मतलब यह है कि डीप वर्क इसे कहेंगे दोस्तों, कि आपको पूरे उस चैप्टर के अंदर घुस जाना है, आपको उस चैप्टर का एक एक पॉइंट पता होना चाहिए, और जो उस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप दोस्तों उसका आंसर दे सको, और आपको अपना क्वेश्चन खुद भी क्रिएट करना है। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से स्टडी करते हो तो यकीन मानो आप 100 में से 100 मार्क्स लेके आओगे। तो दोस्तों आपको डीप वर्क करना है। डीप वर्क करने के लिए दोस्तों आपको सारी डिस्ट्रैक्शन हटानी होगी, और जब आप स्टडी करते हो तो आपको बस आपका एक माइंडसेट आपका स्टडी के प्रति होना चाहिए कि आज मैं स्टडी करूँगा तो स्टडी करूँगा। नो कॉल्स, नो व्हाट्सअप, नो पबजी, नो फ्रेंड्स, आपको इस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं छूना है और आपको स्टडी करनी है। तो दोस्तों अब आपको डीप वर्क करना है, और दोस्तों अब आपको बनाना है टाइम टेबल, क्योंकि दोस्तों जो आपके जितना भी टाइम बचा है आपको इस हिसाब से अपना टाइम टेबल क्रिएट करना है, जिस हिसाब से आप स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ना अपना टाइम टेबल बनाना है और उसको फॉलो करना है, क्योंकि दोस्तों देखो टाइम टेबल तो हर कोई बना लेता है, लेकिन फॉलो वही स्टूडेंट करता है जो दोस्तों क्लास में टॉपर होता है। अगर आपको दोस्तों स्टडी करनी है, अगर आपको स्टडी मतलब अच्छे से मार्क्स लाने हैं, तो दोस्तों आपको टाइम टेबल फॉलो करना ही पड़ेगा, ये तो लिख के ले लो। अगर आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हो और रोज स्टडी नहीं करते हो, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी नहीं करते हो, तो दोस्तों फिर आपके अच्छे से मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि दोस्तों मेहनत से ही आपके मार्क्स आएंगे। अब आपको दोस्तों करना ये है कि आपको करनी है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं वो दोस्तों, अब आपको दिमाग लगाना है कि आपके सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन बैंक बनाना है, क्वेरी, और आपको एनालिसिस करना है कि कौन सा चैप्टर में से कितने ज़्यादा मार्क्स आते हैं, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन कितने ज़्यादा बेनिफिट है। दोस्तों जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना जिसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं उसकी तैयारी अभी से लग जाओ, उसकी तैयारी जल्दी जल्दी करो, ठीक है। और जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो तो दोस्तों उस पर ज़्यादा टाइम दो, जैसे हर कोई कहता है। लेकिन दोस्तों अब स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं, स्मार्ट वर्क में सबसे पहला वर्क आता है डीप वर्क, कि मैंने जो स्टडी सोच ली वो करके ही रहूँगा, आपने जो सोच लिया वो करके रहना है। और दूसरा आपको लेना है ऑनलाइन की हेल्प, ठीक है। ऑनलाइन स्टडी करो, जो सा चैप्टर आपको नहीं आता है तो ऑनलाइन पे सर्च मारो, यूट्यूब पे तरह तरह की वीडियो देखो, और ऑनलाइन के हिसाब से दोस्तों आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो। ग्रुप स्टडी में जो आपका इंटेलिजेंट दोस्त है, जो पढ़ने में तेज है, उसमें आगे हेल्प लो, उससे बोलो यार मुझे ये नहीं आ रहा है। दोस्तों कोई सा भी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है ना, अगर दोस्तों आप उसका बेसिक स्टेप्स को अच्छे से समझते हो, बेसिक स्टेप को दोस्तों आप अच्छे से ध्यान देते हो, दोस्तों उस चैप्टर को आप अच्छे से क्लियर कर जाओगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको से समझना है, कुल मिलाकर दोस्तों आपको ना कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ठीक है। और जो लास्ट में दोस्तों है वो है दोस्तों लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको देखने हैं। दोस्तों पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर से अगर आप अभी से तैयारी करते हो, अब आपका टाइम आ चुका है, अब आपको शुरुआत से पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाने हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन है जिससे ज़्यादा मार्क्स के हैं, उसकी तैयारी से अभी से लग जाओ दोस्तों, ठीक है। और आपको कोई सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, आपको अपना क्वेश्चन पूछना है अपने टीचर से, फ्रेंड से, दोस्तों से, जहाँ से भी हो सके अपना क्वेश्चन पूछते रहो। दोस्तों अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे, आप अपने माइंड में थोड़ा डाउट रखोगे, तो दोस्तों आप
अच्छे से मार्क्स नहीं ला पाओगे, आपके पास डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, और आखिरी में दोस्तों आपको हार नहीं मानना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने जो डिसाइड किया है, आपका जो एम है कि मुझे इतने परसेंटेज लाने हैं दोस्तों, उसके हिसाब से दोस्तों अगर आप हार नहीं मानना है दोस्तों, आपको बिलीव रखना है अपने आप पे। आपको भी सोचना है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ यार, मैं भी ला सकता हूँ, मैं भी रेगुलर कॉलेज लूँगा, मैं भी स्टडी करूँगा। तो दोस्तों आपको कुल मिलाकर रोज़ स्टडी करनी है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपने जो टाइम टेबल बनाया उसको फॉलो करना है, रोज़ स्टडी करनी है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको ज़्यादा ध्यान से देना है, वो डीप वर्क करना है बस, और 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर उससे प्रैक्टिस करना है, जो थ्योरी के सब्जेक्ट है उसको दोस्तों लिख लिख के उसको अच्छे से याद करना है, चाहे टाइम कितना भी हो जाए, लेकिन आपको रोज़ पढ़ना है, रोज़ याद करना है, और अपने आपको आपकी वैल्यू को समझना है कि यार मेरी क्या वैल्यू है, मैं पढ़ाई किस लिए कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आप अपना वाई को समझ जाओगे ना, तो आप अपना स्टडी कर पाओगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।